करनाल के सेक्टर 13 के रिहायशी इलाके के एक चौराहे पर एक कार और एक्टिवा स्कूटी की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें जिसमें स्कूटी पर सवार बुजुर्ग महिला करीब 10 फीट हवा में उछलकर नीचे गिर गई। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद महिला के परिजन भड़क गए। उन्होंने गाड़ी चला रहे व्यक्ति नितिन को पीट दिया। नितिन दिव्यांग है। नितिन ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में बताया कि महिला के परिजन हादसे वाली जगह पर पीटने के बाद वहीं नहीं रुके। जब वह गाड़ी लेकर घर पहुंचा तो महिला के तीनों लड़कों ने उसे घर के बाहर भी पीटा और गाड़ी को लाठी डंडों से तोड़ दिया। नितिन ने पुलिस को शिकायत दी और शिकायत में आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी संगीता व भाई की पत्नी सुमन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी आरोपियों ने बदतमीजी की और गलत तरीके से उनको छुआ और गालियां तक दी। इतना ही नहीं, माता जी के साथ भी बदतमीजी की गई। हादसे और मारपीट करने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहा है कि बुधवार को 2:01 पर दोनों टांगों से अपहाइज नितिन किया कंपनी की गाड़ी जो कि दिव्यांगों के लिए स्पेशल कार है पर सवार होकर अपने घर सेक्टर 13 से दुकान की तरफ जा रहा था। इस बीच जैसे ही गाड़ी चौराहे पर पहुंची तो दाएं तरफ से सड़क पर राकेश सिंगला नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर एक्टिवा पर आ गया। चौराहे पर आते ही स्कूटी की गाड़ी में भिड़ंत हो गई जिसमें पीछे बैठी बुजुर्ग महिला करीब 10 फीट ऊपर उछल कर नीचे सड़क पर गिर कर घायल हो गई। कार चालक नितिन ने अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी कर उन लोगों से माफी मांगने लगा लेकिन महिला के परिजन उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे वार्ड एमसी वीर विक्रम सिंह ने भी बातचीत में बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार बदमाश लड़कों ने दिव्यांग नितिन की पिटाई की और तोड़फोड़ की है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को जान से ही मारते हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। तथ्यों के बाद उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उनकी एक्टिवा दोनों की गलत पता नहीं अब क्या हुआ उसके बाद वहीं उनको मुझे मारने लग गए। उनकी मदर को चोट आई मुझे पता नहीं लगा कोई वो मारने लग गए। मैं बड़ी मुश्किल से आया फिर यहाँ पे आके उन्होंने मुझे मारा दिया। पता नहीं मुझे वो मारने लग गए ना आती समय कुछ नहीं समझ भागा नहीं मैं। उन्होंने फिर मैं जब वो मारने लग गए फिर किसी ने कहा आप चले जाओ तो मैं आइए। मैंने कहा आप मेरा घर यहीं पर आप आ जाओ पापा से बात करो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं फिर वो यहाँ मैं तो सीधा जा रहा था वो ऐसे आ रहे थे जी। मैं मेरी शॉप है नितिन मेडिकल नावल्टी रोड पर घर पे पता नहीं अब क्यों मारा एक्सीडेंट कर गाड़ी तोड़ दी नितिन को ऐसे नहीं आदमी करता और एक हैंडीकैप पर्सन के साथ और रास्ते में कई बार सो एक्सीडेंट होते हैं थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो उसका ये थोड़ी है कि एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की है। उसको पहले वहाँ पिटा सिर पे टांके भी आए जो मुझे पता चला और अब मेरी पुलिस SHO वगैरह से सबसे बात हुई है साहब से और जो भी न्यायिक प्रक्रिया का स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेने के लिए कह दिया गया है। और ऐसे असामाजिक तत्वों का जो इस तरह की हरकतें करते हैं बहुत नहीं हाँ पड़ोस के रहने वाले हैं तो यहीं साथ ही उनका घर है और जिस तरह वीडियो में हमने लाइव में देखा कि किस तरह वो बदमाशों की तरह डंडे लाठियां लेके आए और मारने के लिए अगर यहाँ बहन भाभियाँ हमारी ना होती और उसको ना बचाती तो वो तो लड़के को मार भी सकते थे। तो ये हालात तो फोन सूचना मिली थी हमने कंट्रोल रूम से एक भैया से एक आदमी अपने घर के सामने अपनी गाड़ी अंदर लगा रहा था उसके चार पाँच लड़कों ने उनके साथ डंडे लाठियों से मारपीट कर दी। शिकायत मुझे प्राप्त हो गया है थाने में जाकर एफ आई आर दर्ज करके कार्रवाई तो सीसीटीवी फुटेज अभी देखी नहीं मैंने। चार वो अपंग है वो दोनों पैर से अपंग है और सिंपल और ब्लंट चोट है सिर में माथे में चोट बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष बढ़िया।